Hello students, today I am going to teach you Shiv Chhatrapati, Standard 4, Environmental Studies Part 2. Chapter number 1, Maharashtra before Shivaji, means Shivaji se pehle Maharashtra kaisa tha. Shivaji Maharaj was a great man. Shivaji Maharaj ek mahan insaan the. We celebrate his birth anniversary with great pomp and reverence. Aur hum log unka birthday बर्थ एनिवर्सरी हम लोग बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं. इट इज़ अ हैप्पी डे फॉर यू चिल्ड्रन, और ये सब ये बहुत ही खुशियों का दिन होता है तुम्हारे लिए चिल्ड्रंस. यू सिंग सॉन्ग्स एंड पोवाडाज इन इज ऑनर. हम लोग क्या करते हैं इस दिन, क्या करते हो आप लोग इस दिन, गाने गाते हैं शिवाजी महाराज के ऑनर में. यू गार्लैंड हिज पिक्चर एंड से शिवाजी महाराज की जय, और शिवाजी महाराज के फोटो पर क्या करते हैं फूलों का हार चढ़ाते हैं और क्या क्या कहते हैं शिवाजी महाराज की जय. हु वॉज दिस शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज कौन थे. वॉट वॉज अ ग्रेट वर्क ही डिड दैट वी सेलिब्रेट हिज बर्थडे एवरी ईयर. शिवाजी महाराज कौन थे और उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से हम उनका जन्मदिन हर साल मनाते हैं. द टाइम इन विच शिवाजी महाराज लीव वॉज दैट ऑफ द मिडविल पीरियड. शिवाजी महाराज कौन से पीरियड में थे, मिडविल पीरियड में थे. तीन पीरियड्स होते हैं, एंशियंट, मिडविल एंड मॉडर्न. तो अभी हम लोग जो पीरियड में है वो कौन सा पीरियड है, मॉडर्न. और शिवाजी महाराज कौन से पीरियड में थे, मिडविल. In those days, monarchy or the rule of kings prevailed everywhere. और उस टाइम पे क्या होता था, हर जगह जो राजा होते थे उनके ही रूल होते थे. Many of the kings pursued their own pleasure and enjoyment instead of the welfare of their subjects. और उसी टाइम पे बहुत सारे राजा कैसे थे कि जो अपने ही इंजॉयमेंट में लगे रहते थे, अपने ही मौज मस्ती में थे, उन्हें अपनी प्रजा का कोई ख्याल नहीं था कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, लोग कैसे जी रहे हैं. इन सारी बातों की उन्हें कोई फिक्र नहीं थी और ना ही कोई खबर थी. बट इवन इन दोज डेज देयर वेयर सम किंग्स हु लुक्ड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ देयर सब्जेक्ट्स. लेकिन उस वक्त भी बहुत से ऐसे राजा थे जो क्या करते थे, अपने प्रजा का ध्यान रखते थे. द मुगल एम्पायर अकबर इन द नॉर्थ एंड एम्पायर कृष्ण देव राय ऑफ विजयनगर इन द साउथ आर फेमस हिस्ट्री फॉर देयर बेनिवोलेंट रूल. उस वक्त ये जो राजा थे जो अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे, ये लोग क्या करते थे, अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे, जिसकी वजह से क्या है वो लोग फेमस है हिस्ट्री में for their benevolent rule. Likewise, Shivaji Maharaj also commands great respect even today. और Shivaji Maharaj भी क्या करते थे, हमेशा अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे, जिसकी वजह से Shivaji Maharaj को क्या हर जगह क्या हो गई, बहुत ज़्यादा respect मिलती है. और even आज भी हम लोग Shivaji Maharaj को याद रखे हैं. शिवाजी महाराज इस्टेब्लिश स्वराज्य इन महाराष्ट्र. शिवाजी महाराज ने क्या इस्टेब्लिश किया था, स्वराज, कहाँ पर, महाराष्ट्र में. शिवाजी महाराज ने क्या इस्टेब्लिश किया था, स्वराज, महाराष्ट्र में. स्वराज मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट, आवर ओन रूल. स्वराज का मीनिंग क्या होता है, सेल्फ गवर्नमेंट, खुद की हुकूमत यानी खुद के रूल. For about 400 years before Shivaji Maharaj के 400 साल पहले महाराष्ट्र was not free. महाराष्ट्र क्या था, free नहीं था. A large portion of it was under the rule of the Nizam Shah of Ahmednagar and the Adil Shah of Bijapur. महाराष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा, महाराष्ट्र को ये निज़ाम शाह और आदिल शाह ने क्या कर लिया था, आपस में बांट लिया था. और आधा महाराष्ट्र किसके पास था, निज़ाम शाह के पास, और आधा किसके पास था, आदिल शाह. निज़ाम शाह कहाँ का सुल्तान था, अहमदनगर, और आदिल शाह कहाँ का सुल्तान था, बीजापुर. ये दोनों नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखो.
These two sultan had divided Maharashtra among themselves. They were not liberal in their outlook. और ये दोनों क्या थे? आपस में liberal नहीं थे. They oppressed people over whom they ruled. और वो क्या करते थे? अपनी प्रजा के ऊपर oppressed करते थे, उन पर अत्याचार करते थे. They were also sworn enemies of each other. और ये दोनों हमेशा आपस में एक दूसरे से झगड़ते रहते और हमेशा एक दूसरे के साथ तलवार लेकर तैयार ही रहते थे लड़ने के लिए. They constantly fought against each other with the result that the people suffered and were harassed. और ये दोनों हमेशा आपस में लड़ते रहते थे जिसकी वजह से क्या होता था, लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होती थी और उनको सफ़र करना पड़ता था बहुत ज़्यादा. द पीपल कुड नॉट गेट इनफ टू ईट. इवन उन लोगों के पास, यानी उनकी जो प्रजा थी उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था. नॉर कुड दे सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स. और ना ही वो कोई अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करवा नहीं मनाते और वर्शिप देयर गॉड्स ओपनली एंड फ्रीली. और वो लोग वर्शिप भी नहीं कर पाते, मींस प्रार्थना भी नहीं कर पाते फ्रीली, आज़ादी के साथ. ना तो वो मंदिर जा पाते, ना मस्जिद जा पाते, ना फिर वो चर्च जाते, गुरुद्वारे, कहीं भी. मतलब उनको अपनी वर्शिप प्लेस पर जा भी नहीं पाते थे और लोग वर्शिप भी नहीं कर पाते थे. दे वेर नॉट श्योर ऑफ सेफ्टी इवन इन देयर ओन होम्स. इवन उन लोगों को अपने घर में भी कोई सुरक्षा नहीं थी, वहाँ पे भी वो खुद को सुरक्षित नहीं फील करते थे. देयर वॉज इनजस्टिस एवरीवेयर. हर जगह क्या थी? नाइंसाफी हो रही थी. इन महाराष्ट्र देयर वेयर मैनी वतनदास. महाराष्ट्र में क्या थे? बहुत सारे वतनदास थे, लाइक देशमुख एंड देश पांडेज, हु ओन जागीर. ये देशमुख और देश पांडे ये कौन थे? वतनदार थे, जिसके पास क्या थी? उनकी अपनी जागीर थी. दे लव्ड ओनली देयर जागीर एंड नॉट देयर कंट्री. उन लोगों को क्या था? वतनदार को क्या था? बस उनको अपनी जागीर से ही प्यार था और देश से कोई प्यार नहीं था. दे कॉन्स्टेंट फाइट अमॉन्ग देम ब्रॉट ग्रेट मिजरी टू द पीपल. जिसकी वजह से क्या होता था, और ये लोग भी हमेशा आपस में लड़ते रहते, जिसकी वजह से क्या होता, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती. देयर वॉज मिस रूल एवरीवेयर. और हर जगह गलत हो रहा था, नाइंसाफी हो रही थी, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा था और इन लोगों के हालात एकदम बदतर हो गए थे. पीपल वेयर टायर्ड ऑफ दिस ऑपरेशन एंड वेयर वेरी अनहैप्पी. और लोग क्या हो गए थे? थक गए थे इन सारी चीज़ों से और बहुत नाखुश, यानी अनहैप्पी रहने लगे थे. शिवाजी महाराज सॉ ऑल दिस. ये सब कौन देख रहा था? शिवाजी महाराज ने ये सब देखा. ही अंडरटूक द नोबल टास्क ऑफ एस्टैब्लिशिंग स्वराज्य इन महाराष्ट्र. और उन्होंने अपने हाथों में कौन सा टास्क ले लिया? स्वराज बनाने का महाराष्ट्र में. विच वुड ब्रिंग हैप्पीनेस टू द पीपल. जिससे क्या हो गया? लोगों में हैप्पीनेस आ गई. ही फर्स्ट ब्रॉट टू बुक द वतनदार्स हु फॉट अमॉन्ग देमसेल्व्स. शिवाजी महाराज सॉ ऑल दिस. ये सब शिवाजी महाराज देख रहे थे. He undertook the noble task of establishing स्वराज. और उन्होंने क्या क्या किया, कौन सा टास्क अपने हाथों में लिया? स्थापना करने का स्वराज महाराष्ट्र में. जिससे क्या होगा? लोगों में हैप्पीनेस आएगी. Which would bring happiness to the people. He first brought to book the वतनदास who fought among themselves. और सबसे पहले उन्होंने किसको ठिकाने लगाया? वतनदास को, जो क्या करते थे? आपस में लड़ते थे. ही देन यूज देम इन हिज प्लान टू establishing स्वराज. और उसके बाद उन्होंने क्या किया? उनको ही अपने प्लान में
शामिल कर लिया। उनका प्लान, शिवाजी महाराज का प्लान क्या था? स्वराज को एस्टैब्लिश करना, यानी स्वराज की स्थापना करना। तो ये वतन दास को भी उन्होंने क्या कर लिया, अपने प्लान में शामिल कर लिया। ही फॉट अगेंस्ट द पावर्स द दैट ऑप्रेस द पीपल एंड डिफीटेड। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन लोगों से लड़ाई की, उसके उन लोगों के साथ फाइटिंग हुई उनकी, जो लोगों पर अत्याचार करते थे, और उन्होंने उनको हरा भी दिया। ही एस्टैब्लिश हिंदवी स्वराज। और उन्होंने क्या, किस चीज़ की स्थापना की, और उन्होंने किस चीज़ की स्थापना की, हिंदवी स्वराज बेस्ड ऑन जस्टिस फेयर प्ले एंड इक्वल ट्रीटमेंट टू पीपल। और ये हिंदवी स्वराज किस पर बेस्ड था, जस्टिस न्याय इंसाफ, फेयर प्ले हर एक के साथ बराबर होगा, इक्वल ट्रीटमेंट टू पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड रिलीजन्स। शिवाजी महाराज मेड नो डिस्टिंक्शंस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। शिवाजी महाराज क्या कहते थे, हिंदू और मुस्लिम में इन्होंने कोई डिफरेंस नहीं किया था। ही ऑनर्ड द सेंस ऑफ ऑल रिलीजन। और वो क्या कहते थे, हर रिलीजन के जो धर्म गुरु होते हैं, संत होते हैं, उन लोगों का क्या करते, वो ऑनर करते थे, उनको रिस्पेक्ट करते थे। वी ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस नोबल डीज ऑफ महाराज। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अबाउट 300 to 400 ईयर्स बिफोर शिवाजी महाराज, मैनी सेंट्स वर बोर्न इन महाराष्ट्र। शिवाजी महाराज के 300-400 साल पहले बहुत सारे संत महाराष्ट्र में पैदा हुए थे। देयर वर्क हेल्प शिवाजी महाराज इन हिज सक्सेसफुल एफर्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग स्वराज। और जिनके बहुत अच्छे अच्छे किए हुए काम जो थे संत के, वो उनसे क्या हो गया था, शिवाजी महाराज को बहुत हेल्प मिली थी स्वराज को बनाने के लिए, स्वराज की स्थापना। द नेक्स्ट चैप्टर, व्हाट दिस सेंट्स डीड। नेक्स्ट चैप्टर में हम सेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने कौन कौन से काम किए थे।